कैसा देते हैं ये आपको? रनिंग फीट ना, कैसे रनिंग फीट है ये? एक इंची का रेट होगा ₹1.20। ₹1 होलसेल प्राइस ना ये? हाँ। ₹1.20। 3-4 का 1.5 इंची का रेट होगा आपको ₹1। ये हो गया कंघी, ये सेलिंग में चलता है। अच्छा अच्छा, सेलिंग मारने के लिए लकड़ी का घर में। अच्छा अच्छा, सेलिंग में चलता है। 2 इंची कंघी बोलता है। अच्छा अच्छा, इसका प्राइस होगा आपको ₹3.20। 3 रुपया 10 पैसा लगा देगा होलसेल ज्यादा लेने से। तो भाइयों कैसे हो यार, मैं फिर से एक बार आ गया कुछ नया वीडियो लेकर। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मोल्डिंग बेड। और ये जो मोल्डिंग बेड है अलग अलग जगहों पे यूज किया जाता है, जैसे कि सीलिंग हो गया, प्लाईवुड का सीलिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, तो बहुत जगह पे ये यूज किया जाता है। और ये जो लोकेशन गिरता है नागालैंड डिमापुर पे गिरता है। अगर आप लोग इंडिया से हो तो आप लोग यहाँ से सामान ले जा सकते हो, और आप नागालैंड डिमापुर से बिलोंग करते हो तो आप लोग यहाँ पे आगे सीधा सामान ले जा सकते हो। आप लोग को लोकेशन भी आगे मैं बताऊंगा की कहाँ पे गिरता है। और ये वीडियो दुकानदार और होलसेलर के लिए है, इसलिए रिटेलर मत देखे तो अच्छा होगा। होलसेल प्राइस ए टू जेड पूरा बताऊंगा, जितना वैरायटी आती है। बाकी अगर आप लोग को लेना है तो आप लोग डायरेक्ट मालिक को कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए वीडियो कर दे शुरू, और आप लोग को दिखाते हैं कैसे मैन्युफैक्चर होती है, और कितना प्राइस में अवेलेबल मिलेगा, और कितना लंबाई में, कितना चौड़ाई में, कितना क्वालिटी में, कितना अलग अलग डिजाइन में मिलेगा। तो पहले आपका मिल का नाम बताइए थोड़ा। जी नमस्कार, मेरा मिल का नाम हाथकू जी मम्मी शो मिला है, चुमुक डीमा वार्ड नंबर 10 में है, नियर हेल्थ प्राइमरी सेंटर और नियर आपको डीटीओ ऑफिस। तो ये हाफ राउंड बेड है, तो इसको कटिंग करके यहाँ पे रखा हुआ है। आप लोग इसमें देख सकते हो बहुत सारा रखा हुआ है अलग अलग लेंथ का, 3 फीट 4 फीट 5 फीट। तो इसको अभी बंडल बना के यहाँ पे साइड पे रख देंगे, फिर धीरे धीरे करके ऑल इंडिया पे डिलीवरी कर दिया जाएगा। ये कौन सा डिजाइन हो गया? ये हाफ राउंड 3/4 हो गया है ना। तो हाफ राउंड 1 इंच आता है। तो भाई लोग इससे बनेगा ग्लास बेड, इसमें बनेगा हाफ राउंड और सॉरी ग्लास बेड ना। तो ये निकला हाफ राउंड बेड। इस बीट को हम लोग इस मशीन में इस तरह से घुसाएंगे, तो आगे में देखेंगे क्या निकलेगा वो। तो घुसाया मैं इधर गया तो देखा भाई ये बन गया हाफ राउंड बीट डिज़ाइन बीट। तो इस तरह से होता है। तो इसके बारे में बताइए। ये आपको हाफ राउंड है 3/4। अच्छा अच्छा, हाँ। अच्छा। इसमें 12 भी आता है ना इसमें? हाँ, एक होता है हाफ राउंड 1 इंची। अच्छा अच्छा, ये वाला है ना? हाँ, इससे थोड़ा बड़ा साइज होगा, सेम होगा। अच्छा, तो इसमें कितना फीट तक अवेलेबल है? ये 3 फीट से लेकर आपको 8 फीट तक मिलेगा। 8 फीट तक मिलेगा ना? हाँ। अच्छा अच्छा, तो ये कैसा देते हैं? ये आपको रनिंग फीट ना, कैसे रनिंग फीट है? ये 1 इंची का रेट होगा ₹1.20। ₹1 होलसेल प्राइस ना ये? हाँ। ₹1.20। तो भाई लोग अगर आप लोग को लेना ही है तभी जाकर मालिक को कांटेक्ट करिएगा यार, नहीं तो यार झूठ मूठ का कॉल सोल मत करिएगा, नहीं तो मालिक हो जाएंगे परेशान। और ये 3/4 का 1.5 इंची का रेट होगा आपको ₹1। ये हो गया 22.6 मार्जिन। अच्छा अच्छा, तो इसका भी ऐसा ही है ना, लंबाई में? हाँ, 3 फुट से मिलेगा। 3 फुट से 8 फीट तक ना? 8 फीट तक आपको सब मिला लेना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, एक तो नहीं होगा, सब क्वालिटी में थोड़ा लेना पड़ेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, और इसका प्राइस कैसा होगा? इसका प्राइस ₹1.58 होगा। ये हो गया कंघी, ये सेलिंग में चलता है। अच्छा अच्छा, सेलिंग मारने के लिए लकड़ी का घर में। अच्छा अच्छा, सेलिंग में चलता है। 2 इंची कंघी बोलता है। अच्छा अच्छा, इसका प्राइस होगा आपको ₹3.20। 3 रुपया 10 पैसा लगा देगा होलसेल ज्यादा लेने से। ये हो गया 1.5 इंची कंघी सेलिंग बीट। अच्छा अच्छा, ये आपको ₹2.10 रनिंग फीट ना। चलो, 3 फीट से लेकर 8 फीट तक अवेलेबल होगा। चलो चलो चलो, और नेक्स्ट ये हो गया आपको 35.10। अच्छा, मार्जिन। अच्छा अच्छा 35 मार्जिन का आपका प्राइस हो जाएगा 3 रुपया 50 पैसा। अच्छा अच्छा चलो, ये 45-10 मार्जिन इसका 4 रुपया 50 पैसा प्राइस होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ये 3 फुट से अभी 8 फुट तक अवेलेबल होगा। अच्छा अच्छा चलो, ये हो गया ग्लास बीट। अच्छा अच्छा अच्छा, ये ग्लास बीट आपका 3 फुट से लेकर 8 फुट तक अवेलेबल होगा। इसका दाम होगा रनिंग फीट में 1 रुपया 10 पैसा। अच्छा अच्छा, बहुत सारे क्वालिटी और मेरे पास आने से हम दिखाएंगे, सारे माल गोदाम में दब चुके हैं। आप लोग आइए, कांटेक्ट कीजिए, उसके बाद हम आपको सब सिंपल दिखाएंगे। तो भाई लोग चलिए बात करते हैं कि कौन कौन सा दुकान में ये सब बीट रखने से ज्यादा बिक्री होगा। तो नंबर 1 पे आता है ग्लास दुकान। ग्लास दुकान में ऐसा बीट चाहिए तो आप लोग ग्लास दुकान में ऐसा बीट रख सकते हो, जितना भी वेरायटी है सब बीट रख सकते हो, ऐसा बहुत ज्यादा चलता है ग्लास दुकान में। नंबर 2 पे आता है हार्डवेयर शॉप। तो ऐसा बीट हार्डवेयर शॉप में बहुत ही ज्यादा बिक्री होता है, क्योंकि हम लोग का दुकान में भी ऐसा बीट बहुत सारा रखा हुआ है भाई लोग, क्योंकि भाई लोग हम लोग का दुकान में प्लाईवुड एसी बोर्ड भी है ना भाई, तो उसमें तो ये सब बीट चाहिए, तो ऐसा बिक्री होता है, तो ये बीट भी बिक्री हो जाता है। मतलब जब भी हम लोग का दुकान में एसी बोर्ड या प्लाईवुड बिक्री होता है ना भाई लोग, तो ये बीट तो बिक्री होता ही है, मतलब 3-4 बंडल तो ऐसी बिक्री हो जाता है भाई। आप लोग भी कहीं से भी हार्डवेयर का बिजनेस करते हो तो भाई लोग यहाँ से आप लोग होलसेल प्राइस में ले जाकर आप लोग रिटेल में बेच सकते हो बिंदास। ये सब हमारे पास स्टॉक पड़े हैं, ये सब डब्बा की माल है, कंगी है, लोकल की है, ये साइड में है। कौन सा लकड़ी से बनता है? ये सागवान टिक से बनता है, प्योर नागालैंड टिक से बनता है। अच्छा अच्छा। और मेरे पास टिक गाछ अवेलेबल है, मेरे पास 100 मिल है। अच्छा अच्छा। मेरे पास अवेलेबल खुद का मैन्युफैक्चरिंग है। अच्छा अच्छा। और ये दूसरा लकड़ी से तो नहीं बनता होगा शायद ना? ये दूसरा लकड़ी का गमाड़ी का बनता है, लेकिन हम लोग टिक का ही बनाता है। गमाड़ी का सस्ता पड़ेगा शायद? हाँ सस्ता पड़ेगा। अच्छा, टिक का थोड़ा ज्यादा, टिक का महंगा कॉस्टली पड़ता है, और यही चलता है, यही चलता है, फिनिशिंग भी अच्छा है इसका। तो अगर आप लोग बिजनेसमैन है या हार्डवेयर शॉप का दुकान का मालिक है, अगर आप लोग पेन ब्रश, डिस्टेंपर ब्रश, शू ब्रश, रोलर और भी बहुत सारा कई सारा मटेरियल है यार, आप लोग अगर दुकानदार हो तो आप लोग होलसेल में बाई कर सकते हो। मतलब होलसेल भी ऐसा होलसेल प्राइस आप लोग को मिलेगा, इस प्राइस में आप लोग को ऑल इंडिया पे भी नहीं मिलेगा। और हार्डवेयर का जो भी मटेरियल आता है आप लोग बाई कर सकते हो, वो भी इतना सस्ता रेंज में यार। भाई लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया धमाका लेके यार, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग को इस तरह से कुछ जानकारी चाहिए तो मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो।